मेराज की रात है कि जब आकर सलातुसलाम को बड़े तज़को इतिशाम के साथ मुकम्मल प्रोटोकॉल और एजाज के साथ जबरील 70,000 नूरी मलाइका के जम घटे में लेके चले, तो आप जैसे इस जहान से बाहर निकले, इस कायनात से बाहर कदम रखा, तो आकर सलातुसलाम जैसे ही बाहर गए, पीछे जो पानी था वजू वाला चलता, वो पानी वहीं रुक गया, पानी वहीं ठहर गया। जिस बिस्तर पे सरकार सोए रहे वो बिस्तर भी वहीं ठहर गया, उसकी गरमाइश उसकी तपस भी वहीं ठहर गई। वो कुंडी जिसको खोल के सरकार बाहर निकले थे वो कुंडी भी वहीं रुक गई। पता नहीं कितना अरसा, 18 साल या 18,000 साल तक जाते हमदी अल्लाह के कुरम में रही, अल्लाह के आमने सामने रही है, और इतने अरसे के बाद, हजारों सालों के बाद, जब साकिब मुस्तफा पलट के फिर मक्का में आती है, तो कैफियत अजीब है कि पानी जो रुका था जब मुस्तफा फिर आए वो पानी चलने लग गया है। इतना ढीला नहीं बोली, सुभान अल्लाह। 18 साल या 18,000 साल तक पानी रुक नहीं सकता। नब्ज हस्ती रुक चुकी थी, कैनात की हरकत रुकी है, सारी कैनात रुक चुकी है, हर चीज अपनी जगह पे साकित। मेरे आका पलट के आए तो वो कुंडा भी हरकत कर रहा था, वो भी हिल रहा था। इतने अरसे के बाद बिस्तर पे जाके तशरीफ फरमाओ तो बिस्तर भी गर्म था। 18 साल या 18,000 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद वो चीजें क्यों उसी हालत में रही थी, उसी कैफियत में क्यों रही थी? वजह यह थी कि इस कायनात की रूह इस कायनात से निकल चुकी थी, सरकार बाहर जा चुके थे, अल्लाह के हुजूर पहुंचे थे, अगली दुनिया अगले आसमानों की तरफ चले गए थे। तो जहां आसमान भी वैसे ही था, जमीन ही वही है, ये चांद तारे भी वही है, ये शमसो कमर भी वही है, ये दरिया, ये समंदर, ये नदियां भी वही है, बाहरी तारा तेरा जहाज क्यों रुका है? फरमाया बाकी सब कुछ एक नूरे मोहम्मदी और जाते मोहम्मदी ना थी। उस नूर को निकाला गया जो रू बन के आया था। फरमाया जहान को हमने वहीं रोक डाला है, वो जहान वहीं रुका, रू निकली, जहान का पिंजर बाकी रह गया, जहान का पिंजर वहीं का वहीं बाकी रह गया। तो सरकार आए ना थे तो जहान चला ना था, आए तो जहान चल पड़ा, आए तो जहान चल पड़ा। और जब फिर मेराज की रात तशरीफ ले गए तो जहान फिर रुक गया। जहान न हो ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, न हो ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमनिस्तान दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो। हर चीज की जिंदगी वजूद मुस्तफ़ा से है, ज़ात मुस्तफ़ा से है, आपकी ज़ात और आपके वजूद मसूद की वजह से ये आलम चल रहा है।